हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको सुबह का नाश्ता बनाना बताएंगे, जो बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी होगा। इसमें खोए की रोटी बनाएंगे और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखिए, हमने खोया ले लिया है 100 ग्राम और 2 चम्मच शक्कर ले लिए पिसी हुई और ज़रा सा नमक ले लिया है। 2 कटोरी आटा लेंगे, 10 नमक ले लिया है। अब इसमें 2 कटोरी आटा डालेंगे, एग बॉयल में 2 कटोरी आटा डाल देंगे। इसमें शक्कर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और ये खोया डाल देंगे। और इसको खूब मल लेंगे आटे को। आटे में खोया नमक शक्कर से मिला देंगे, खूब अच्छे से इसको मल लेंगे, मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिलाने से इसके खोया खूब मिल जाता है और बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। सभी को पसंद आने वाली हैं ये रोटियां, बहुत ही अच्छी होती हैं। देखिए, अच्छे से हमने मिला लिया है इसे, खूब अच्छे से मिल गया है। ये देखिए, आटा खोया मिला लिया है। अब इसमें हम एक थोड़ा पानी मिला के इसको गूंद लेंगे। पानी से हल्का हल्का पानी डाल के गूंद लेंगे और हमें अंदाज़ है इसलिए हम डाल लेते हैं अपने अंदाज से, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदिएगा, जिसमें बहुत ही गीला ना होने पाए, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है इसको। देखिए, खूब अच्छे से मिला लिए, बहुत खूब अच्छे से गूंद लें। अच्छे से गूंद लेंगे, गूंद के इसको मिला के थोड़ी देर के लिए। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे इसको। इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। बाद से फिर थोड़ा सा, ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा सा एक हाथ घूम के इसको फिर से लगा देंगे।
उसके बाद इसको रख देंगे, फिर आप रोटी खाने की तैयार है। आटा हमारा तैयार है, कितना मुलायम है, हम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ बनेंगी। इसमें बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं, बहुत ही शौक से खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, आपके यहाँ के बुजुर्ग भी शौक से खाएंगे इसे, सबको पसंद आने वाली है ये रोटी। जी हाँ, अब हम सब्जी, आलू की सब्जी बनाएंगे। जी हाँ, ये हम ले लेंगे 4-5 आलू ले लेंगे, अपने हिसाब से ले लिए, आपके जितने आदमी हों उस हिसाब से, जितने लोग हों उस हिसाब से आप आलू ले लीजिए। हमें वहाँ 2-3 लोग हैं इसलिए हम थोड़े से आलू ले रहे हैं। सब्जी बनाना सिखाएंगे आपको, गैस जला के कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में तेल हमने थोड़ा सा डाल रखा था 1 चम्मच, क्योंकि मैं अकेले ही बना रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ और जो है खाना भी बना रही हूँ, इसलिए नाश्ता भी बना रही हूँ, इसलिए जो है यहाँ देखिए 2 चम्मच तेल ले लिया हमने छोटे वाले। तो हम चला लेंगे, चीनी देंगे गरम, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, प्याज के भी टुकड़े कर लेंगे प्याज के, एक प्याज के, और उसको हल्का सा सौते कर लेंगे। तीन चार मिनट चलाना है, उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे, 1 टमाटर चॉप किया हुआ डाल देंगे, इसको भी चला लेंगे फिर हल्के से। हल्का सा ये भाप लग गया, गल जाती है लगता है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, डालेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, मिर्चा लाल किसी मिर्च डाल देंगे और उसको चला देंगे अच्छे से, उसको हल्का सा पकने देंगे, जरा सा देखिए हमारा मसाला भून चला है। अब इसमें ज़रा सा 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे, इसको भी खूब चला लेंगे हल्का हल्का चला के। अब इसमें आलू की सब्जी डाल देंगे, धनिया काट के रखी हुई है, इसको हल्का सा सब्जी डाल दी है, इसे चला लेंगे 2-3 बार, इसको हल्का से चला लेंगे, हल्की सी भाप आ जाएगी, फिर इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी डाल के ढक के रख देंगे। देखिए बहुत अच्छी सब्जी तैयार होने वाली है और बहुत ही अच्छी लगेगी सबको, आपके घर में सबको अच्छी लगेगी, बच्चों को भी अच्छी लगेगी, आपके यहाँ जो बुजुर्ग होंगे उनको भी बहुत अच्छी लगेगी।
आप मेरे मेथड से बनाएं, बहुत बढ़िया सब्जी नाश्ता बनने वाला है सुबह का, सबको पसंद आएगा। अपने हिसाब से पानी, आधा कप पानी डाल दीजिए। अब इसे ढक के रख दीजिए, इसे पकने दीजिए 10 मिनट। 10 मिनट पकने दीजिएगा, उसके बाद इसका फ्लेम धीमी कर दिएगा थोड़ी, तो इस पर बहुत जल्दी ख़राब होंगे। ये हमने रोटी के पेड़े बना के रख लिए हैं इस तरीके से। अब हम ये देखिए, मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, बहुत बढ़िया सब्ज़ी है, बहुत अच्छी, खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें एक नया नाश्ता होगा, दो हरी मिर्ची कटी हुई छोटी डाल दूँगी। अब हम गैस बंद कर देंगे, हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब हम रोटी बनाएंगे, आपको रोटी बनाना दिखाएंगे। देखिए रोटी छोटी छोटी बेल के मैंने डाल ली है गैस पे, तवे पे डाल दिए। अब इसे धीमी आंच पे सेकेंगे। ये बहुत अच्छी रोटी होती है, बहुत ही जायकेदार, आप बहुत ही किसी चीज़ से भी खा सकते हैं, सब्ज़ी के अलावा भी किसी से खा सकते हैं, जिस चीज़ से खाना चाहें वो आपकी पसंद पे, जिससे भी खाए। वैसे सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है, इससे तो अच्छी लगती है। ये देखिए हल्का हल्का सेक रहे हैं इसको, घुमा घुमा के सेकना है हल्का तवे पे ही थोड़ा। एक बार फिर हम घुमा देंगे इसे, रोटी को घुमा घुमा के सेकेंगे। देखिए हल्की हल्की होने लगी है, सिक रही है रोटी। अब तवा हटा के इसको गैस पे सेक लेंगे चिमटे की मदद से। देखिए चिमटे से ऐसे पकड़ के इस तरीके से आपको सेकना है, हल्की हल्के हल्के से, हल्की आंच कर लीजिएगा उस पर हल्के हल्के हाथों से। जी हाँ, हल्का हल्का सेकी, ये देखिए बहुत बढ़िया सिकने वाली है रोटी और बहुत ही मज़ेदार होगी। देखिए हम आपको सेक के दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छी सिकती है रोटी इस पर गैस पे इस तरीके से सेकने से। ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी मेरी सिक के तैयार हो गई है। ऐसे ही सारी रोटियां सेक लेंगे हम। असल में थोड़ा गला भी ख़राब है मेरा, इसकी वजह से आवाज़ भारी हो जाती है। जी हाँ, ये देखिए बहुत बढ़िया रोटियाँ सीखी हैं, इसी तरीके से हम रोटियाँ सब सीख लेंगे। ये देखिए गैस हमने बंद कर दिए, सारी रोटियां मैं सीख गई हूं।
ये देखिए बहुत बढ़िया रोटी सिकी है। यहाँ बहुत बेहतरीन रोटी सिकी है, आप इसको खाएंगे बहुत ही मुलायम बहुत ही अच्छी रोटी हो है। ये देखिए मेरा नाश्ता तैयार है, बहुत बेहतरीन नाश्ता बना है, आप लोग खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा।